हेलो नमस्ते जय मसीह मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय चेत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आप सभी से एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान को जो हमारे बीच स्टूडियो पे आए हुए हैं। हेलो नमस्ते और धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम भाई साहब, मैंने आपके बारे में काफ़ी तारीफें सुनी है तो सोचा क्यों ना छोटा सा वार्तालाप हो जाए ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सके। जी शुक्रिया। देखिए हर इंसान में बहुत कुछ अच्छाइयाँ होती है जिसे आप जैसे नेक बंदे ही देख पाते हैं, वरना लोग तो हमारी खामियाँ ही निकालते रहते हैं। शायद आप सच कह रहे हैं। एनीवे मैंने सुना है आप दान पुण्य समाज सेवा तीर्थ यात्रा पूजा अर्चना और कोई भी अच्छे कामों में बहुत ही आगे रहते हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब? बाकी लोग तो अपने लाइफ में ही बिजी रहते हैं, कुछ खास मकसद इन सब के पीछे क्या हम जान सकते हैं? जी हाँ क्यों नहीं, अपने लिए तो सभी जीते हैं पर मेरे लिए तो दूसरों के लिए जीना ही जीना है। और मकसद की बात कहूँ तो हर धर्म स्वर्ग और नरक के बारे में बताती है, सो मैं अपने धर्म और अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाना चाहता हूँ बस। वाओ कितने उच्च विचार है आपके, पर क्या आपको पता है कोई भी आदमी अपने अच्छे कर्मों से या अपने धर्म से स्वर्ग नहीं जा सकता? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं मानता, क्या आप अपनी बातों को साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ, जिस प्रकार आपने कहा हर धर्म स्वर्ग और नरक के बारे में बताती है, उसी प्रकार हर धर्म ये भी बताती है कि मनुष्य जन्म से ही पापी है, इसलिए वो पाप कर्म करता है। आपको क्या लगता है आपने आज तक कोई पाप नहीं किया है? देखिए छोटे मोटे पाप तो सभी करते हैं, लेकिन वो मेरे अच्छे कर्मों से ढक जाते होंगे शायद। बिल्कुल नहीं भाई साहब, पाप बड़ा या छोटा नहीं होता। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है मनुष्य के अंदर से अर्थात मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, और कोई भी मनुष्य ऐसे पापों के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। इन सब पापों को मिटाने के लिए तो मैं तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान और पशुओं का बलिदान देता रहता हूँ और अच्छे कर्म करता रहता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? भाई साहब स्वर्ग में जाने का मतलब है हमारे आत्मा का उस पवित्र परमात्मा से भेंट करना और सदा के लिए उनके साथ रहना। अब आप ही बताइए क्या हम हमारे हृदय के पापों को बाहरी स्नान या पशु बलि या अपने अच्छे कर्मों से धो सकते हैं और उसे धोकर शुद्ध हो सकते हैं? शायद आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे अच्छे कर्म करने के पीछे भी कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है। मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ और प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। वाह कितने ईमानदार हैं आप, आपने बिल्कुल सही कहा, स्वार्थ भी तो पाप है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आदमी कोई भी धर्म से क्यों ना हो, चाहे बाहर से कितने भी अच्छे कर्म कर ले और खुद को साफ रखे, वो अपने हृदय के पापों को नहीं मिटा सकता। हाँ कुछ दिनों के लिए ढक कर जरूर रख सकता है, लेकिन समय आने पर उसका पाप स्वभाव दिख ही जाता है। अब आप ही बताइए क्या हम ऐसे पापों के साथ स्वर्ग जा सकते हैं? आपने तो मुझे कंफ्यूज करा दिया, ऐसे तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, तो कैसे जाए हम स्वर्ग? इसका उत्तर जानने से पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या आपको पता है इस सारे ब्रह्मांड के रचयिता आपको और मुझे बनाने वाले परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? जी हाँ क्यों नहीं, प्रेम करते हैं तो फ्री विल यानी स्वेच्छा भी जरूर दिया होगा उन्होंने, जिससे हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। हाँ क्यों नहीं, और अगर स्वेच्छा दिया है तो हमसे पाप होने का चांसेस भी होता होगा। जी बिल्कुल, तो अगर हम पाप करते हैं तो पापी हो जाते हैं, जिससे उसके सारे पापों से छुड़ाने वाला एक उद्धारकर्ता चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, कौन है वो मसीहा जो मुझ जैसे पापी को नाश होने से बचा सके? शायद आप जैसे नम्र इंसानों के लिए ही प्रभु यीशु ने ये बात कहा होगा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। और बाइबल हमें बताती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। यानी आपका मतलब यीशु मसीह ही वो मसीहा है जो हमें उधार दे सकते हैं और स्वर्ग ले जा सकते हैं? सही समझे आप, इस बात को प्रूव करने के लिए
मैं आपको कुछ बाइबल की आयतें पढ़कर सुनाता हूँ। मैथ्यू 1:21, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जॉन 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पे और उनके बलिदान पे विश्वास करे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। इफिसी 2:8-9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और बाइबल 1:7-9 में ये कहती है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब पापों और अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ना ये खुशखबरी हम पापी इंसानों के लिए। ओह, अब मुझे समझ में आया कि यीशु एक निर्दोष व्यक्ति होते हुए भी क्यों उन्हें सूली पर मारा गया। इतना महान बलिदान दिया प्रभु आपने मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए, अब मुझे क्या करना होगा, प्लीज बताइए। बाइबल रोमी की पुस्तक 10:9-10 में कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो क्या आप आज मेरे साथ उस छोटी सी प्रार्थना करेंगे जिससे आपका उद्धार हो सके? जी अवश्य। ठीक है, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, प्रभु यीशु, आज मुझे पता चला कि मैं एक पापी हूँ। प्रभु यीशु, आज मुझे पता चला कि मैं एक पापी हूँ, और मुझे मेरे इन सारे पापों की सजा मिलनी चाहिए। और मुझे मेरे इन सारे पापों की सजा मिलनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है, जिन्होंने मेरी सजा अपने ऊपर ले ली। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है, जिन्होंने मेरी सजा अपने ऊपर ले ली, और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। मैं अपने पापों की क्षमा आपसे मांगता हूँ और पश्चाताप करता हूँ, और आज से आपको ही अपना खुदा और मुक्तिदाता मानता हूँ। मैं अपने पापों की क्षमा आपसे मांगता हूँ और पश्चाताप करता हूँ, और आज से आपको ही अपना खुदा और मुक्तिदाता मानता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे क्षमादान और अनंत जीवन देने के लिए, जो केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे क्षमादान और अनंत जीवन देने के लिए, जो केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा शो? अपनी बहुमूल्य राय जरूर दे, और जाते जाते मिलके जाइए हमारे आज के मेहमान से। चैनल पर नए आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ताकि गुड न्यूज इंडिया के कोने कोने तक जाए और लोग आशीष, उद्धार और छुटकारा को पा सके। तो आप सभी को आशीष दे।